नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। बिहार में जाति आधारित गणना के साथ होगा आर्थिक सर्वेक्षण, लोगों को आगे लाने में होगी सहूलियत। बिहार में कोरोना से सतर्क रहने की जरूरत, भागलपुर में मिले 3 कोविड पॉजिटिव मरीज। बिहार में पहली बार नियुक्त होंगे 702 डेंटल हाइजीनिस्ट, तकनीकी सेवा आयोग करेगा चयन। 20 साल बाद बिहार को मिलेंगे 55 नए ड्रग इंस्पेक्टर, बीपीएससी को भेजा गया प्रस्ताव। पटना मार्केट में महिलाओं को मिलेगी मोबाइल पिंक टॉयलेट की सुविधा, जलापूर्ति ठीक करने को बनेगी नई टीम। पटना में बहुमंजिला भवनों की अग्नि सुरक्षा के लिए सरकार खरीदेगी हाइड्रोलिक लेडर, कैबिनेट से मिली स्वीकृति। जदयू के प्रदेश प्रवक्ता प्रगति मेहता ने शुक्रवार को कहा कि जाति आधारित गणना कराया जाना किसी के खिलाफ नहीं है, बल्कि यह सभी दलों की सहमति से लिया गया फैसला है। उन्होंने कहा कि इन दिनों खासकर सोशल मीडिया पर कुछ लोग इसके खिलाफ मुहिम चलाते हुए इसे विकास विरोधी बता रहे हैं। सच्चाई यह है कि जाति आधारित गणना के साथ ही राज्य सरकार ने आर्थिक सर्वेक्षण भी कराने का निर्णय लिया है, इससे लोगों की आर्थिक हालत की भी तस्वीर सामने आएगी। जदयू प्रवक्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नीति और सिद्धांत पर चलते हैं, लोगों के हित में जो भी कदम उठाना हो उससे वह पीछे नहीं हटते हैं। जब से वह मुख्यमंत्री हैं तब से उन्होंने राज्य की तरक्की और लोगों की खुशहाली के लिए एक से बढ़कर एक कदम उठाए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर उनका खास फोकस रहा है, तो साथ ही मानव के विकास के लिए भी कई योजनाएं चलाई गई है। देश भर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ने लगे हैं। करीब 3 महीने के बाद देश में संक्रमण के आंकड़े वापस डरावने लगने लगे हैं। एक दिन में कोविड-19 के 4000 से अधिक नए मामले पाए गए हैं। आम से लेकर खास लोग संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। इधर बिहार में भी कोरोना ने दस्तक देना शुरू कर दिया है। सीमांचल व कोसी के इलाकों में कोरोना संक्रमित पाए जाने की खबर सामने आ रही है। वहीं भागलपुर में 2 दिनों के अंदर 3 संक्रमित मरीज मिलने से हड़कंप मच गया है। भागलपुर जिले में विगत 2 दिनों में 3 कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान की गई है। तीनों संक्रमित भागलपुर शहरी क्षेत्र के निवासी हैं। इनमें से एक 24 वर्षीय युवक विखनपुर, दूसरा 24 वर्षीय युवक आदमपुर व तीसरे 60 वर्षीय वृद्ध घंटाघर इलाके के रहने वाले हैं। इनमें से विखनपुर निवासी संक्रमित मरीज की एंटीजन जांच मायागंज अस्पताल में सर्दी खांसी व बुखार के इलाज के दौरान की गई थी। बिहार के सरकारी अस्पतालों में जल्द 702 डेंटल हाइजीनिस्ट की नियुक्ति होगी। बिहार सरकार ने हाल ही में इन पदों के सृजन की स्वीकृति दी है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि डेंटल हाइजीनिस्ट की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के लिए बिहार तकनीकी सेवा आयोग को जल्द पत्र भेजा जाएगा। यह पहला अवसर है जब राज्य के सरकारी अस्पतालों में डेंटल हाइजीनिस्टों की नियुक्ति की जा रही है। इसके लिए डिप्लोमा इन डेंटल हाइजीनिस्ट की डिग्री अनिवार्य है। इनकी नियुक्ति 36 जिला अस्पतालों में, 61 अनुमंडलीय अस्पतालों, 71 रेफरल अस्पतालों और 534 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में नियुक्ति की जाएगी। डेंटिस्ट्री काफी आकर्षक पेशा है, लेकिन इन दिनों इस फील्ड में अन्य सहायक करियर के अवसर भी पैदा हुए हैं। उनमें से एक है डेंटल हाइजीनिस्ट। डेंटल हाइजीनिस्ट यानी कि वह इंसान जो आपके दांत को साफ सुथरा और सेहतमंद रखने के बारे में बताता है। हाल के दिनों में डेंटल हाइजीनिस्ट की मांग काफी बढ़ी है। दरअसल लोग अपने शरीर को चुस्त दुरुस्त रखने पर ध्यान दे रहे हैं। ओरल यानी मौखिक स्वास्थ्य भी इसका एक हिस्सा है। आने वाले वर्षों में डेंटल हाइजीनिस्ट की काफी मांग हो सकती है। बिहार में अभी 500 ड्रग इंस्पेक्टरों की जरूरत है। जानकारी के अनुसार बिहार में महज 163 पद ड्रग इंस्पेक्टर के लिए स्वीकृत हैं। इनमें 106 ड्रग इंस्पेक्टर कार्यरत हैं। ऐसे में 55 पद अभी भी खाली हैं। जल्द ही इन पदों पर बहाली हो जाएगी। बिहार को 20 साल बाद 55 नए ड्रग इंस्पेक्टर मिलने जा रहे हैं। ड्रग इंस्पेक्टरों के खाली पदों पर बहाली का प्रस्ताव स्वास्थ्य विभाग ने बीपीएससी को भेज दिया है। साल 2008 में बिहार में ड्रग इंस्पेक्टरों की बहाली के लिए बीपीएससी से विज्ञापन जारी किया गया था। इसके लिए 2009 में बहाली की प्रक्रिया पूरी हुई थी। ड्रग इंस्पेक्टरों ने 2011 में स्वास्थ्य विभाग में योगदान दिया था। ड्रग इंस्पेक्टर बनने के लिए कुछ शर्तों का पालन करना होगा। अभ्यर्थियों के पास फार्मेसी में डिग्री अनिवार्य होगी। इसके साथ ही दवा विनिर्माण एवं शोध में न्यूनतम 1.5 वर्ष के कार्य अनुभव वाले आवेदकों की प्राथमिकता दी जाएगी। चयनित अभ्यर्थियों को राज्य सरकार 5400 ग्रेड पे के तहत सैलरी देगी। यह पद राजपत्रित पदों में शामिल है।
पटना शहर के मार्केट प्लेस पर महिलाओं के लिए टॉयलेट की समस्या को दूर करने के लिए मोबाइल पिंक टॉयलेट की सुविधा मिलेगी। यह टॉयलेट पूरी तरह से महिलाओं के जिम्मे होगा। जलापूर्ति की समस्या दूर करने के लिए मानव बल के साथ गाड़ी व सामान उपलब्ध कराया जाएगा। कुत्तों के आतंक से बचाने के लिए उसे पकड़ने के लिए 2 डॉग कैचर की खरीद होगी। सफाई कर्मियों के वर्दी में नहीं रहने पर कार्रवाई होगी। 31 अगस्त तक आर्किटेक्ट पुराने निबंधन पर नक्शा पास कराने के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकेंगे। गुरुवार को मेयर सीता साहू की अध्यक्षता में लगभग 5 घंटे तक चली सशक्त स्थायी समिति की बैठक में पहली बार 70 प्रस्ताव पर चर्चा हुई। इसमें 3 प्रस्ताव को छोड़कर शेष को स्वीकृति की गई। पारित प्रस्ताव पर 6 जून को प्रस्तावित निगम बोर्ड की बैठक में सहमति ली जाएगी। बैठक में उप महापौर रजनी देवी, सशक्त स्थायी समिति के सदस्य डॉक्टर आशीष सिन्हा, इंद्रदीप कुमार चंद्रवंशी, कावेरी देवी, स्मिता रानी व मनोज कुमार, नगर आयुक्त अनिमेश कुमार परासर, अपर नगर आयुक्त शीला ईरानी, उप नगर आयुक्त राकेश कुमार झा व अभिषेक आनंद सहित सभी अंचलों के कार्यपालक पदाधिकारी मौजूद थे। नगर सरकार का कार्यकाल 19 जून को समाप्त हो रहा है। सशक्त स्थायी समिति की यह अंतिम बैठक थी। राजधानी के विश्वेश्वरैया भवन में लगी आग के बाद राज्य सरकार ने राज्य की बहुमंजिला इमारतों की अग्नि सुरक्षा सह बचाव के लिए पहले चरण में 6 हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म सह टर्न टेबल एरियर लैडर की खरीद करेगी। इसकी खरीद पर कुल 44 करोड़ 40 लाख खर्च किए जाएंगे। कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि पहले चरण में 62 मीटर ऊंचाई के 2 अदद, 52 मीटर ऊंचाई के 2 अदद और 42 मीटर ऊंचाई के 2 लैडर की खरीद की जाएगी। कैबिनेट ने बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली 2022 के प्रारूप की स्वीकृति दी है। इसकी स्वीकृति के बाद नगर निकायों के चुनाव यथोचित रीति से कराया जाएगा। बिहार गवाह सुरक्षा कोष नियमावली 2022 के प्रारूप पर भी मंत्री परिषद की स्वीकृति मिली है, जिसमें गवाह कोष का निर्माण किया जाएगा। कैबिनेट ने औरंगाबाद जिले के रफीगंज अंचल में कुल 1.745 एकड़ गैर मजरुआ मालिक बिहार सरकार की जमीन 90,57,000 के भुगतान कर डेडिकेटेड फ्रेड कॉरिडोर ऑपरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को दी गई है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य योजना के तहत बीज वितरण एवं बीज उत्पादन योजना के कार्यान्वयन के लिए 150 करोड़ 98 लाख की स्वीकृति दी गई है। बिहार विधान परिषद की 7 सीटों के लिए गुरुवार से नामांकन शुरू हो गया है। बिहार विधान परिषद की 7 सीटों पर 20 जून को चुनाव होना है। आगामी 9 जून तक नामांकन की प्रक्रिया चलेगी। इन 7 सीटों में से 3 पर राजद की तरफ से उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है, लेकिन विधान परिषद के लिए NDA उम्मीदवारों के नामों की फिलहाल घोषणा नहीं हुई है। विधान परिषद की 7 सीटों के लिए होने वाले चुनाव को लेकर सियासी गहमागहमी तेज है। राजद की तरफ से मुन्नी देवी, मोहम्मद कारी सोहेब और अशोक कुमार पांडे को उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि भाजपा और जदयू उम्मीदवारों के नामों पर फिलहाल सस्पेंस बना हुआ है। राजद की तरफ से 3 उम्मीदवारों की घोषणा किए जाने से कांग्रेस और वामपंथी दल में नाराजगी देखी जा रही है। ऐसे में राजद की तीसरी सीट को लेकर भी संशय बना हुआ है। दरअसल कांग्रेस और माले के मत के बिना राजद का तीसरा उम्मीदवार सदन तक नहीं पहुंच सकता है। ऐसे में अगर कांग्रेस और माले मिलकर अपना उम्मीदवार देता है तो विधान परिषद का चुनाव बेहद दिलचस्प हो जाएगा। ऐसे में अब सबकी निगाहें भाजपा और जदयू से ज्यादा कांग्रेस और माले की तरफ टिकी हुई है। बिहार सरकार के विभागों में प्रोन्नति की प्रक्रिया शुरू नहीं होने के कारण पुलिस महकमे में बड़ी संख्या में इसके जरिए भरे जाने वाले पद खाली पड़े हैं, जिनमें हवलदार, जमादार और दरोगा से लेकर इंस्पेक्टर तक के करीब 20,000 पद हैं। अब इन्हें भरने की कवायद पुलिस विभाग ने शुरू कर दी है। इन सभी पदों को भरने के लिए तत्कालिक व्यवस्था के तहत संविदा पर रिटायर हो चुके कर्मियों को बहाल किया जाएगा। इसके तहत जमादार, दरोगा और इंस्पेक्टर के पद पर ही रिटायर्ड कर्मियों की बहाली होगी। अगर बहुत आवश्यकता महसूस की जाएगी तब DSP रैंक में भी रिटायर्ड कर्मियों की बहाली की जा सकती है। यह पहला मौका होगा जब पुलिस महकमे में इतनी बड़ी संख्या में रिटायर्ड हो चुके कर्मियों को संविदा पर बहाल किया जा रहा है। संविदा पर बहाल होने वाले इन कर्मियों को शुरू में 1 से 2 वर्ष के अनुबंध पर रखा जाएगा। इसके बाद जरूरत पड़ने पर इसकी अवधि बढ़ाई जाएगी। संविदा बहाली से जुड़ी प्रक्रिया को शुरू करने से संबंधित अंतिम आदेश प्राप्त करने के लिए गृह विभाग के पास पुलिस महकमे ने फाइल भेज दी है। आदेश प्राप्त होते ही इससे जुड़ा विज्ञापन प्रकाशित कर दिया जाएगा।
उत्तरी बिहार के तकरीबन सभी जिलों में अगले 4 से 5 दिन तक जबरदस्त आंधी पानी के आसार हैं। इस दौरान ठनका गिरने की भी आशंका है। IMD ने उत्तरी बिहार के सभी जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान कमोबेश पूरे प्रदेश में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की आशंका है। दक्षिणी बिहार में उमस भरी गर्मी का दौर चलता रहेगा। यहाँ छिटपुट जगहों पर आंधी पानी के आसार हैं। दरअसल बिहार के रास्ते एक ट्रफ लाइन गुजर रही है। इसकी वजह से इस क्षेत्र में चक्रवाती कम दबाव का केंद्र उत्तर बिहार बन रहा है। पुरवैया चलने से उमस भरी गर्मी से अभी राहत मिलने के आसार नहीं है। MCH में अब बाहर की दवा लिखने वाले डॉक्टरों की खैर नहीं है, क्योंकि उनको पकड़ने के लिए अस्पताल प्रशासन ने नया तरीका अख्तियार कर लिया है। अब ऐसे डॉक्टरों को पकड़ने के लिए अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर IS ठाकुर के निर्देश पर धावा दल का गठन किया गया है, जिसमें 2 सीनियर व कुछ जूनियर डॉक्टरों को शामिल किया गया है। यह टीम OPD से लेकर अलग अलग वार्ड व इमरजेंसी वार्डों में औचक निरीक्षण करेगी और कौन डॉक्टर बाहर की दवा मरीजों को लिख रहे हैं उसको पकड़ेगी। साथ ही इमरजेंसी वार्ड के डॉक्टरों को भी निर्देश दिया गया है कि जो भी मरीज पहले आते हैं उनको तुरंत भर्ती कर इलाज शुरू कर देना है। पटना स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने सोमवार को PMCH अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। प्रत्यय अमृत सबसे पहले अस्पताल में L&T कंपनी की ओर से विश्व स्तरीय अस्पताल के निर्माण कार्य को देखा और उन्होंने काम में तेजी लाने का निर्देश दिए। इसके बाद वह नए सर्जिकल इमरजेंसी वार्ड पहुंचे, जहां सेंट्रलाइज AC बंद पाया गया। AC बंद होने का कारण पूछा और उसे तत्काल प्रभाव से ठीक करने का निर्देश दिए। आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ Facebook और Instagram में हमें फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।